यानी कि इनकी जो पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ अफगानी ही नहीं रहते वहाँ पे पश्तून भी रहते हैं उज्बेक्स भी रहते हैं और ताजिक्स भी रहते हैं यानी कि बहुत से ग्रुप्स डिफरेंट कम्युनिटीज और सोसाइटीज आपस में मिलके रहती हैं देर इज वायटी किसी भी कंट्री में अगर डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे बहुत सी वरायटी है लोगों के मुख्तलिफ नॉर्म्स होंगे ट्रेडिशंस होंगी अपनी अपनी रिवायात होंगी जो कि एक्चुअली किसी भी कंट्री के कल्चर को बहुत ही रिच बना देती हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी ऑल द मेजर रूट फ्रॉम द मिडल ईस्ट टू द सब कॉन्टिनेंट पास थ्रू अफगानिस्तान यानी कि अगर आपने मिडिल ईस्ट से सब कॉन्टिनेंट की तरफ जाना है तो जितने भी रूट्स हैं वो सारे के सारे रूट्स अफगानिस्तान से पास होते हैं हिस्ट्री अगर हम अफग़ानिस्तान की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत बात करें कि अफगानिस्तान के साथ पहले क्या हुआ सो थर्टीन सेंचुरी अफगानिस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ द एम्पायर ऑफ ग्रेट मंग रूलर चंगेज ख़ान तो बच्चों आपने अक्सर चंगेज़ ख़ान का नाम सुना होगा चंगेज़ ख़ान के बारे में मशहूर है कि वो बहुत ही ज़्यादा ालिम हुक्मरान था लेकिन वो अपनी फौजों के हक में बहुत अच्छा था और उसने बहुत ही वसी इलाके पर हकूमत की थी सो so, सेंचुरी में अफगानिस्तान चंगेज खान के एम्पायर का हिस्सा था यानी कि जितने इलाके पे चंगेज खान की हुकूमत थी उस इलाके में आता था अफगानिस्तान अगर आप देखना चाहते हो कि अफगानिस्तान वर्ल्ड मैप पे एग्जैक्टली किधर लोकेटेड है तो ये चीज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो तो आपको नजर आएगा कि अफगानिस्तान हमारा नेबर है और हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है became a strong country under Ahmad Shah Durrani in 1747. पिछले 1747 में अफगानिस्तान became a strong country under the leadership of Ahmad Shah Durrani. आपने अब आप इन important leaders के नाम याद रखनी हैं, क्योंकि जब हम आपका work page solve करेंगे, तो उसके अंदर आपसे important leaders के नाम पूछे जाएंगे मुक्तलिफ countries के. लगता था कि अगर वो अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेंगे तो उसके थ्रू वो पाकिस्तान तक भी पहुंच जाएंगे उस पर भी कब्जा कर लेंगे इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान पर हमला किया लेकिन वो अपनी इस चाल में कामयाब नहीं हो सके और बहुत अरसा अफगानी और रशियन आपस में जंग लड़ते रहे इन 1989 रशियनस बिगन टू विड्रॉ सो so फाइनली आफ्टर मेनी मेनी इयर्स ऑफ वॉर 1989 में जो रशियनस थे उन्होंने अफगानिस्तान से निकलना शुरू कर दिया विड्रॉ करना शुरू कर दिया किसी भी जगह से विड्रॉ करने का मतलब होता है कि हम उस जगह से पीछे हटना शुरू कर देते हैं अफगानिस्तान अगेन बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री 2001. 2001 में कुछ ऐसा हुआ कि आज तक अफगानिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सके जिसको हम नाइन इलेवन का वाकया भी कहते हैं। तो हुआ कुछ यू कि नाइन इलेवन जो मशहूर वाकया है उसमें एक्चुअली जो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उसके ट्विन टावर्स पर एक जहाज ने आकर टक्कर मार दी जिसकी वजह से वो दोनों ट्विन टावर्स तबाह हो गए और बहुत से लोग मारे गए अब ये माना जाता है कि वो जो हमला था वो उसामा बिल लादन ने किया था और फिर ये कहा गया कि उसामा बिल लादन वापस अफ़गानिस्तान आकर छुप गया क्योंकि उस हमले के नतीजे में बहुत से अमेरिकन मारे गए थे इसलिए अमेरिका ने फिर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें उसामा बिल्लादन चाहिए जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था वहाँ शुरू हुई अमेरिका और अफगानिस्तान की जो कि आज तक खत्म नहीं हुई आज भी बहुत सी अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान में पाई जाती of इन पाकिस्तान और अब क्योंकि वहां पे अमन नहीं रहा सुकून नहीं रहा तो बहुत से अफगानी माइग्रेशन करके पाकिस्तान में आ गए और यहाँ आकर रहना शुरू हो गए अफगानिस्तान वॉज प्रोग्रेसिव कंट्री बिफोर रशियन इन्वेजन लेकिन जब तक रशिया ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया था इनवेड नहीं किया था इन्वेजन मतलब हमला किसी का इन्वेड करना हमला कर देना उससे पहले पहले अफगानिस्तान वॉज अ प्रोग्रेसिव कंट्री यानी कि अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क था जो कि बहुत तरक्की कर रहा था लेकिन फिर रशिया ने हमला कर दिया उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला नाइन इलेवन वाला वाक हो गया तो अमेरिका ने हमला कर दिया तो आज तक दोबारा अफगानिस्तान एक प्रोग्रेसिव कंट्री नहीं बन पाई नोन फॉर कार्पेट्स टेक्सटाइल्स एंड फ्रूट्स अफगानिस्तान किन किन चीजों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है अफगानिस्तान मशहूर है अपने कार्पेट्स के लिए टेक्सटाइल्स के लिए कपड़े के लिए एंड फ्रूट्स के लिए इसके अलावा अपने फलों के लिए ऑफिशियल लैंग्वेजेस पश्तो एंड पर्शियन और अफगानिस्तान में कौन कौन सी जबने बोली जाती हैं? ज्यादातर ज्यादातर बोली जाती है, है पश्तो और पर्शियन यानी कि फारसी हैज नो कोस्ट लाइन कोस्ट लाइन होती है किसी भी दरिया या समंदर का जो किनारा होता है वहां का इलाका कहलाता है कोस्टल एरिया तो अफगानिस्तान की कोई कोस्ट लाइन नहीं है अब आपकी बुक में एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स जिसमें उसने पूछा हुआ है कि पाकिस्तान की कौन सी नेबरिंग कंट्री है जिसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है तो मैंने आपको यहाँ पे जवाब बता दिया है कि अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसकी कोई मौजूद नहीं है अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली नेबरिंग कंट्री की दैट इज चाइना विच इज अ वेरी गुड नेबर ऑफ आर वी शेयर स्मॉल बॉर्डर विद चाइना हम चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो कोई बहुत लंबा नहीं है इट इज अ स्मॉल बॉर्डर माउंटेन्स इन दिस बॉर्डर रीजन आर द कराकुरम्स और हमारा ये जो बॉर्डर है इसमें एक माउंटेन रेंज चलती है और हम उसको कहते हैं द कराकुरम्स In 1978, the Karakoram Highway was opened, connecting Pakistan and China. और फिर उन पहाड़ों में से गुजारी गई एक कराकोरम हाईवे जो कि कनेक्ट करती है पाकिस्तान को और चाइना को हाईवे यानी कि एक रास्ता बनाया गया जो कि कनेक्ट करता है पाकिस्तान को चाइना से नाउ लेट्स टॉक अबाउट सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सी पैक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर चाइना और पाकिस्तान आपस में मिलकर काम कर रहे हैं और अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है यानी कि इसके जो बेनिफिट्स सोचे जा रहे हैं वो बेनिफिट्स हम रीप कर पाते हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा पाकिस्तान को भी और चाइना को भी और इस प्रोजेक्ट की वजह से ऑलरेडी हमारे रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं चाइना इज अ मच लार्जर कंट्री देन पाकिस्तान एंड हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन अगर साइज या एरिया के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान चाइना से बहुत छोटा है यानी कि चाइना का एरिया बहुत ज़्यादा 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 है and has the largest population और population है और और चाइना चाइना की भी सबसे क्योंकि पे बहुत लोग रहते हैं के वेस्ट में क्या है देर इज वर्ल्ड फेमस गोभी डेजर्ट अब आपकी बुक की एक्सरसाइज में देर इज वेयर इज द गोभी डेजर्ट सिचुएटेड तो मैंने आपको अभी बता दिया That Gobi Desert is is situated in the 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 west of of country, China. China is one of the oldest दट गोभी रूल बाई मैनीस्टीज सिविलाइजेशन हम कहते हैं किसी भी स्पेसिफिक जो लोग रहते हैं उनका रहन सहन वो क्या पहनते थे क्या उठते थे क्या खाते थे इस सबको हम कहते हैं civilization. तो चाइना इज वन ऑफ द oldest सिविलाईजेशन यानी कि अगर आप चाइना की हिस्ट्री के बारे में पढ़ो तो ये एक बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है रूल बाय मैनी डायनेस्टीज जिस पर बहुत सी ने हकूमत की जिस पर बहुत से लोगों हकूमत की और उनके खानदानों ने हकूमत की 1911 कंट्री बिकेम अ रिपब्लिक रिपब्लिक होने का मतलब क्या होता है जब कोई भी कंट्री रिपब्लिक बन जाती है इसका मतलब है कि उसके लोग अपने रिप्रजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रजेंटेटिव फिर हकूमत करते हैं इसका मतलब होता है किसी कंट्री का रिपब्लिक होना सो नाइनटीन इलेवन में क्या हुआ कि चाइना एक रिपब्लिक बन गया देन नाइनटीन कल्चरल कल्चरलूशन टुक प्लेस अंडर डोंग लीडरशिप फिर 1960 में क्या हुआ कि एक कल्चरल रेवोल्यूशन आई रेवोल्यूशन हम कहते हैं इनकलाब को कल्चर तहजीब टुक प्लेस अंडर माओ जी डोंग लीडरशिप फिर उन पर एक लीडर आया माओ जी डोंग जो कि एक रेवोल्यूशन लेकर आया कल्चरल रेवोल्यूशन आपने इन लीडर्स के नाम याद रखने हैं क्योंकि ये नाम आपसे आपके वर्क पेज में पूछे जाएंगे कंट्री प्रोग्रेस एंड रेवोलूशनाइज अंडर डिंग जियाओपिंग ब्रॉट एन इकोनॉमिक रेवोल्यूशन फिर उसके बाद एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आई यानी कि माशी इनकलाब आया कौन सी लीडर की लीडरशिप में डिंग जिया की लीडरशिप में द कंट्री प्रोग्रेस एंड रेवोल्यूशनइज यानी कि कंट्री ने बहुत ज्यादा तरक्की की चाइना ने बहुत ज्यादा तरक्की की और खुद को चेंज किया अब अगर बात की जाए लैंग्वेज की तो चाइना में सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है चाइनीज और बच्चों ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि जी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती होगी लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोली जा रही है वो है चाइनीज एंड देन टॉकिंग अबाउट द कैपिटल सिटी तो चाइना का कैपिटल सिटी है बीजिंग आपने हर कंट्री को उसके कैपिटल सिटी उसकी लैंग्वेजेस और इसके अलावा उसके इम्पोर्टेंट लीडर्स के लिहाज से याद रखना है तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है बाकी की कंट्रीज के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज